आप देख सकते हो ये वाले पॉइंट पे दैट इज 4 पे आपका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, दैट इज 4 से ज्यादा रहेगा तो डेफिनेशन कुछ और है, 4 से कम रहेगा तो डेफिनेशन कुछ और है। तो आप लिमिट कहां पे अप्लाई करोगे? लिमिट अप्लाई करोगे 4 पे। बहुत ही सिंपल है समझने को, क्लियरली आपको दिख रहा है। अगर आप वैल्यू 4 से ज्यादा लोगे तो आपका फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और है, वैल्यू 4 से कम है तो फंक्शन का डेफिनेशन कुछ और है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। जो भी आप लिमिट निकालोगे आप क्या करोगे, एट 4 निकालोगे। ओके, अब ध्यान दो, है बहुत ही सिंपल पार्ट है, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, एट एक्स ग्रेटर देन 4, मतलब एक्स क्या है 4 से ज्यादा है। अब आप क्या करो, सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करो, फंक्शन का वैल्यू 4 पे निकालो। अब अगर आपको यहां पे पता हो तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दो कैसे, आपको पहले चीज पता है साइन का जो ग्राफ रहता है ये क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। ये आपने पहले हमने लिखा था पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिखाते हुए बताया था, साइन पाई एक्स का ग्राफ क्या रहता है, कंटिन्यूस। वैसे कॉस पाई एक्स का ग्राफ ये भी क्या रहेगा, ऐसे कंटिन्यूस रहने वाला है, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ओके, अब मेन क्या है, एक और आपको एक चीज चेक करना है, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर जीरो कब होएगा, टू तो ऑफकोर्स फिक्स वैल्यू, डिनोमिनेटर जीरो कब होएगा, जब आपका कॉस का वैल्यू क्या होएगा, टू पहुंचेगा तब ना। लेकिन कॉस का वैल्यू आपको पता है रेंज कहां से कहां करता, अगर आप ग्राफ बनाओगे भी तो रेंज कहां से कहां करेगा, 1 से लेके -1 के बीच में रेंज करेगा। तो वैल्यू कुछ भी करके जीरो नहीं होने वाला। तो आपको जरूरत है क्या x ग्रेटर देन 4 पे कंटिन्यूटी चेक करने? नहीं, आप सीधा बोल सकते हो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्लियर है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं, देखो आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखा के दिया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, मैं लिखा के भी दिया हूं कि अगर कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस रहता है तो फंक्शन क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। कब? सिर्फ एक ही चीज आपको चेक करना है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, ये लिखा के आपको दिया था। तो वही चीज यहां पे हो रहा है ना, तो आपको यहां पे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। इसलिए मैं बोलो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बस चेक करना, बस वही चेक करना, अगर वो पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम है तो ही आपको सिर्फ इश्यू होएगा, नहीं तो ये पार्ट बहुत सिंपल है, क्लियर है। चलो तो ये पार्ट हमारा हो गया। इसका मतलब क्या है कि आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम ओपन ब्रैकेट 4। ओपन ब्रैकेट 4 का मतलब क्या है, 4 से इंफिनिटी तक कंटिन्यूअस है। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू रहेगा 4 नहीं रहेगा, 4 का जो नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। अगर आप क्लोज ब्रैकेट बोलते तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, 4 भी आप काउंट कर रहे हो, लेकिन यहां पे क्लियरली दिख रहा है x ग्रेटर देन 4 है, तो आपको 4 को काउंट नहीं करना है। तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट, मैं जस्ट इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि सेकेंड पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम होएगा। ओके, अब हम लोग ये सेकेंड पार्ट पे ध्यान देंगे। अब ये सेकेंड पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ध्यान दो, एट एक्स, बस इसको भरोसे लिखता हूं, एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पे हमें चेक करना, तो सबसे पहले चीज आप जब नीचे का जब पॉलिनोमियल जब चेक करोगे, यहां पे ये जो फंक्शन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। ओके, अब नेक्स्ट आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, या फिर आप बोल सकते हो रूट फाइंड आउट करो। रूट क्या रहता है, पहले चीज वो समझाता हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है
इसको आप क्या बोलते हो, रूट बोलते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये दो पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान दो, ये पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहता है। आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है या नहीं, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो। अब डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फंक्शन पे जीरो कब रहता है, ये दो पॉइंट्स पे। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो रूट, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो रूट ढूंढने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, इट इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ डी अपॉन क्या रहता है, टू ए रहता है। ये तो सबको पता है, ये तो आपने टेंथ में ही पढ़ा है फॉर्मूला। इसमें आपको डी ढूंढना है, डी इक्वल टू क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू इज प्लस वन, वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा। ए का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू इज ऑल्सो वन, सी का वैल्यू इज ऑल्सो वन, तो ये क्या हो गया, वन माइनस फोर हो गया, विच इज कितना, माइनस थ्री। नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव आंसर है मतलब क्या रहेगा, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या है कि ये ग्राफ क्या रहेगा, एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा। तो आप खुद मुझे बताओ, क्या डिनोमिनेटर कभी जीरो हो सकता है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, नहीं सर। पहले ओके, अब यहां पे नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक है, और दूसरा क्या है, साइन पाई बाय टू एक्स है। ओके, अब ध्यान दो, साइन फंक्शन जो है ये हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, हमेशा कंटिन्यूस रहने ही वाला है, ये आपको पता है, इसका कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये आपको पता है, ये सारे इंटीजर पॉइंट्स पे क्या रहता है, डिसकंटिन्यूअस। तो आपको कब चेक करना है, सारे डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज पे क्या करना है, चेक करते रहना है, मतलब सारे इंटीजर पॉइंट्स। ओके, तो इसका मतलब आप कहां कहां पे चेक करोगे, आपका पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहना चाहिए, फोर से लेस, फोर से लेस और जीरो से बराबर। तो आपका एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, एक तो जीरो ले सकता है, वन टू थ्री एंड फोर ले सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू उठा के ये फंक्शन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। ओके, अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक गधे के जैसा मेहनत करो, या फिर मैंने आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताया कैसे करना है करके। तो मैं आपको पहले चीज स्मार्ट अप्रोच बताता हूं, तो ध्यान दो। ओके, फर्स्ट आप चेक करोगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये थोड़ा सा समझने को मुश्किल है लेकिन आपका काम इजी है, क्योंकि जेई मेंस में आपका टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, आपको डायरेक्टली सॉल्व करने को आना चाहिए। ओके, एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो फंक्शनल वैल्यू क्या रहेगा, फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आप जीरो डालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आएगा, आपको जीरो आएगा। चलो, फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढ लिया, अब नेक्स्ट ध्यान देना, अब हम इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ध्यान देना, आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ रहता है, इसका वैल्यू कहां से कहां रेंज करता है, जीरो से लेके वन तक रेंज करता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, यही वैल्यू में रेंज करने वाला है इसका जो ग्राफ है। ओके, एट एक्स इक्वल टू जीरो, आप क्या करो, ग्राफ को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू किधर जा रहा है, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किधर जा रहा है, इट इज गोइंग टू वन। अब देखो, मतलब इधर से अब राइट साइड से अप्रोच करो, एक्स की तरफ जाओ, एक्स इक्वल टू जीरो, आप नोटिस कर रहे हो आपका वैल्यू किधर जा रहा है, जीरो की ओर। तो यहां पे आपने जीरो लाल दिया, चलो ये आपने किया। अब नेक्स्ट, साइन ऑफ पाई बाई टू इंटू एक्स, ठीक है, ध्यान दो, साइन ऑफ पाई बाई टू इंटू एक्स, यहां पे आप एक्स सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ जीरो बन जाएगा। साइन का ग्राफ आपको पता है ये ऐसा रहता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच करो, जीरो की तरफ जाओ,
तो आप नोटिस कर रहे हो आपका वैल्यू किधर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है ना, तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। राइट साइड से अप्रोच करो फिर भी आपका वैल्यू किधर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। अब नेक्स्ट फंक्शनल वैल्यू, साइन ऑफ जीरो तो आपको पता है क्या रहने वाला है, जीरो ही रहेगा। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो जीरो सब्स्टिट्यूट करो तो जीरो प्लस वन कितना होएगा, तो ऑफकोर्स क्या रहेगा इसका जो, चलो इसका एक एक करके करेंगे। ओके अब इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां पे क्या रहेगा, अगर आपका वैल्यू किधर जा रहा है, जीरो की ओर, तो ये तो हमने ऑलरेडी किया कि ये क्या रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस। या फिर आप क्या करो, x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करो, जीरो, तो ऑफकोर्स ये क्या होएगा, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो प्लस वन, तो ये ऑफकोर्स वन रहेगा। राइट हैंड लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करो, x का वैल्यू जीरो ही डालोगे ना, तो जीरो प्लस वन ये भी वन आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आप जीरो ही सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जीरो प्लस वन ये भी वन होएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो, इधर तक किसी को डाउट है तो पूछो, है कि नहीं। अब ध्यान देना कैसे आप डायरेक्टली करोगे। अब इसका हम लोग क्या करते, फंक्शनल वैल्यू चेक करते। तो फंक्शनल वैल्यूज कौन कौन था, एक तो जीरो था, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे क्या वन, तो जीरो इंटू जीरो अपॉन वन, ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। एलएचएल चेक करते हैं, एलएचएल वैल्यूज कौन है, वन जीरो और नीचे क्या आ रहा है, वन, तो ये कितना होएगा, वन इंटू जीरो अपॉन वन, तो ये भी कितना आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के वैल्यूज क्या है, जीरो जीरो और नीचे वन है, तो जीरो इंटू जीरो अपॉन वन, ये भी क्या आ रहा है, हो गया ना काम। आपके सारे वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। अब वैसे ही सिमिलरली आपको क्या करना है, एट x इक्वल टू क्या लोगे, वन। अब यहां पे आपको एक फ्रैक्शन पार्ट आएगा, यहां पे क्या आएगा, साइन ऑफ पाई बाय टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। चलो पहले नीचे का करते, यहां पे बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, वन सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसका फंक्शनल वैल्यू तो कितना आएगा, वन प्लस वन प्लस वन, तो ये थ्री आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी थ्री आएगा, राइट हैंड लिमिट भी तीन आने वाला है, कुछ भी कर तीन ही आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप वन का फ्रैक्शनल पार्ट देखोगे, तो कुछ है क्या साइड में फ्रैक्शनल पार्ट, नहीं है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, जीरो, मतलब फंक्शनल वैल्यू क्या आ रहा है इसका, जीरो आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है, ये इसका ग्राफ है एट एक्स इक्वल टू वन पे, ठीक है। अब आप क्या करो, लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, तो आपका ग्राफ किधर जा रहा है, वन की ओर जा रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होएगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वन होएगा। चलो इसके राइट साइड का ग्राफ, अब आप राइट साइड से अप्रोच करो, आपका वैल्यू किधर जा रहा है, आपका वैल्यू जा रहा है जीरो की ओर, आपका आर एच एल क्या आया, जीरो आ गया। चलो साइन ऑफ पाई टू एक्स, चलो ये भी करते, साइन ऑफ पाई बाई टू, साइन ऑफ पाई बाई टू आपको पता रहना चाहिए क्या रहता है, इसका फंक्शन वैल्यू क्या रहेगा, वन रहेगा। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, तो भी इसका वैल्यू क्या रहने वाला है, वन रहने वाला है। आप इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, तो भी इसका वैल्यू क्या आ रहा है, वन ही आ रहा है। ओके अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो, इसको वन से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किससे करोगे, थ्री से, तो ये होएगा जीरो इंटू वन अपॉन थ्री, तो ये क्या होएगा, जीरो अपॉन थ्री विच इज जीरो। नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स, तो सॉरी यहां पे हम लोग एल एच एल निकालेंगे, मेरा गलती हुआ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज क्या है, एक वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे थ्री, तो ये वन इंटू वन अपॉन थ्री हो रहा है, तो ये वन बाई थ्री आ रहा है आंसर। तो फंक्शनल वैल्यू और आपका लिमिट डिफरेंट आया ना, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन।
सिमिलरली आप क्या करो, सिमिलरली आप x इक्वल टू टू के लिए ढूंढो क्या होएगा, और सिमिलरली आप क्या करो x इक्वल टू थ्री के लिए क्या रहेगा ढूंढो, ट्राई करो सेम कंसेप्ट। सबसे पहले x इक्वल टू टू, जब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू कंसिडर करोगे, यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, सपोज ऐसा रहता 2.3 रहता तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट को आप क्या बोलते 0.3 है, करेक्ट, लेकिन कुछ है ही नहीं इसमें साइड में, इसलिए इसका फंक्शनल वैल्यू क्या आएगा 0। ओके, एट x इक्वल टू टू मतलब ये ग्राफ आगे की तरफ जाएगा। अब x इक्वल टू टू है, आप इसको राइट साइड से अप्रोच करो तो वैल्यू वापस किधर जा रहा है, वापस 1 की तरफ जा रहा है, चलो तो इसके आगे का पॉइंट भी बना लेते हैं। आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, आपका वैल्यू किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 0। वैसे ही अब यहाँ पे सॉल्व करो साइन ऑफ पाई, तो साइन ऑफ पाई इसका वैल्यू आपको पता है 0, आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करो तो भी इसका वैल्यू किधर जा रहा है 0 की ओर, आप इसको राइट साइड से अप्रोच करो तो भी आपका वैल्यू किधर जा रहा है 0 की ओर, तो इसका भी फंक्शन वैल्यू 0। आपको ये नीचे का पार्ट जरा चेक करते, 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 5 + 4 इज 9, 9 + 1 इज 10, तो कितना आएगा 0/10 विच इज 0। नेक्स्ट केस में भी क्या आएगा 0/10 विच इज 0, नेक्स्ट केस में भी 0/10 आएगा, तो आप क्या बोलोगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू यहाँ पे 0। तो आपको एक चीज से समझ में आया फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पे 0 to 4 में ऑल ऑड नंबर्स पे 0 है, तो ऑल ऑड नंबर्स का मतलब क्या है दैट इज 1 and 3 पे, बाकी सारी जगह पे फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, तो आप क्या बोलोगे फाइनल आंसर क्या रहेगा, आप इधर लिख सकते हो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आप क्या बोलोगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट 1 and 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x belongs to all real numbers except कौन, except आप यहां से लिख सकते हो बस real numbers से 1 and 3 को मैं क्या कर रहा हूं सबका, ये सारे values पे आपका function क्या है continuous function। अब ऐसे type के points पे continuity कैसे check करोगे, तो सबसे पहले चीज ध्यान देना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये क्या है सारे रियल नंबर्स पे क्या है कंटिन्यूअस, सिर्फ डिसकंटिन्यूअस कहां पे इंटीजर वैल्यूज पे, तो आप रियल नंबर से क्या करोगे इंटीजर्स को सबट्रैक्ट, साइन एक्स जो है ये ऑल रियल नंबर्स पे क्या है कंटिन्यूअस। ओके, तो ध्यान देना कैसे सॉल्व करोगे, एट एक्स नॉट इक्वल टू इंटीजर, मतलब x जब इंटीजर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है ये तो कंटिन्यूअस रहेगा, साइन x जो है ये भी क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है, जब x इंटीजर नहीं रहेगा तो दोनों कंटिन्यूअस रहेगा ना, तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या रहेगा, तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस होएगा कंटिन्यूअस फॉर्म। नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे एट एक्स इक्वल टू इंटीजर पे, ये मैंने आपको बोला पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आपको कंटिन्यूटी हमेशा चेक करना है, तो इस पे क्या होएगा आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ये क्या बन जाएगा डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, लेकिन आपका जो साइन एक्स है ये क्या ये तो कंटिन्यूस ही रहेगा, तो ऑल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस ये आपको पता रहना चाहिए फंक्शन क्या रहेगा डिसकंटिन्यूअस रहेगा, तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे ये जो ओवरऑल है ये ओवरऑल पार्ट को आप क्या पकड़ो फंक्शन, तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे
function is continuous for x belongs to R. लेकिन आप सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे इंटीजर्स को इसमें से. आई होप ये फर्स्ट पार्ट एकदम क्लियर हो. ठीक है चलो अब सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट क्या मालूम है क्या, ध्यान देना, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. यहां पे ये फंक्शन प्रॉब्लम कब देगा आपके हिसाब से, ये प्रॉब्लम देगा जब आपका एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जीरो तो वन अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना. तो यहां पे आप क्या बोलोगे, ये सारे रियल वैल्यूज पे क्या है, डिफाइंड है, सिवाय किसके, सिवाय जीरो के. सेम गोज फॉर सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन आपको पता रहना चाहिए, ये सिर्फ क्या रहता है, जीरो पे क्या है, डिसकंटिन्यूस. ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, सिर्फ क्या है, जीरो पे डिसकंटिन्यूस. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आर माइनस जीरो लिखोगे. सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब जीरो नहीं है उस पर चेक कर दो. जब जीरो नहीं रहेगा तो आपका जो वन अपॉन एक्स जो रहेगा ये तो कंटिन्यूस रहने वाला है. फिर क्या है, सिग्नम एक्स, ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा. कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कौन सा फंक्शन रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा. ठीक है, अब जब आपका एक्स क्या रहेगा, जीरो. तो जब आपका एक्स जीरो रहेगा तो वन अपॉन एक्स कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस बोलोगे क्या, नहीं, सीधा आप क्या बोलोगे, अनडिफाइंड है. सीधा अनडिफाइंड है बोलो, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस चेक करने का भी जरूरत नहीं है. यहां पे क्या है, ये तो सिग्नम एक्स है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है. तो यहां पे कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस नहीं बोलोगे, आप सीधा क्या बोलोगे, यहां पे बोलोगे फंक्शन इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर हो. अनडिफाइंड होने के वजह से आपको ऐसे लिखना पड़ा. इसके लिए मैं तो सिग्नम एक्स का मैं चेक भी नहीं किया, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यू, मैं सीधा इसको ही बोल के सीधा बोल दिया कि फंक्शन ही अनडिफाइंड है. चलो इधर तक आई होप क्लियर हो. तो यहां पे आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस फॉर एक्स, यहां पे क्या रहेगा, बिलोंगिंग टू आर. माइनस आप क्या करोगे, वैसे लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में क्या, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स. फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो है ये कहां पे अनडिफाइंड रहेगा, सारे इंटीजर्स, यहां पे आर माइनस इंटीजर करोगे. सेम वे सिग्नम एक्स जो है ये क्या रहेगा, सारे रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है, सिर्फ किस पे, सिर्फ जीरो पे अनडिफाइंड रहेगा. आई होप ये पार्ट क्लियर हो. सबसे पहले देखो एक तो चीज आपको पता रहना चाहिए, जीरो जो है ये क्या, एक इंटीजर वैल्यू है. आई होप ये पार्ट क्लियर रहेगा आपको, ध्यान देना. सबसे पहले चीज ध्यान दो, फर्स्ट आप क्या चेक करोगे, एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर. तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर मतलब क्या है, कि आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ये कंटिन्यूअस है, आपका सिग्नम फंक्शन जो है ये भी कंटिन्यूअस है. नॉट इंटीजर मतलब जीरो भी नहीं है, कंफ्यूज मत होना कि जीरो एक इंटीजर है. तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा. नेक्स्ट जब आपका एक्स क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, तो इंटीजर रहेगा सिर्फ यहां पे क्या करो, माइनस जीरो करो. ओके, क्योंकि यहां पे जीरो पे भी आपको चेक करना है, इसीलिए. आई होप ये पार्ट क्लियर हो. आपको जीरो पे भी चेक करना है, इंटीजर के साथ ही साथ जीरो भी चेक करना है, तो आपको इंटीजर माइनस जीरो करना पड़ेगा. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटीजर पे क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस. सिग्नम एक्स अफकोर्स जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इसका मतलब क्या रहेगा, तो कंटिन्यूस रहेगा. तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा. नेक्स्ट जब आपका एक्स क्या रहेगा, अभी आप क्या चेक करोगे, जब आपका एक्स जीरो रहेगा, तो जब आपका एक्स जीरो रहेगा तो सबसे फर्स्ट चीज, ये जो पार्ट है ये तो ऑफकोर्स क्या रहने वाला है, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि इंटीजर वैल्यू पे ये तो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा. प्लस सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स क्या रहेगा, एक्स इक्वल टू जीरो, इस पे डिसकंटिन्यूस रहेगा.
तो डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस ये क्या रहेगा, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ सॉरी डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस पे आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सीधा बोल नहीं सकते हो ये जीरो है कि नहीं, नहीं बता सकते हो। तो आप क्या करो, जैसे आपको बताया था सॉल्व करने का तरीका, एट एक्स इक्वल टू जीरो इसका फंक्शनल वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मैंने ऑलरेडी पहले एक सम करा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वन रहेगा, राइट हैंड लिमिट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी किया है पहले के एग्जाम में। चलो सिग्नम एक्स के लिए हम लोग करेंगे, ओके। अब सिग्नम एक्स के लिए आप लेफ्ट साइड से जाओगे, चलो पहले चीज का वैल्यू क्या रहेगा, तो वैल्यू क्या है इसका, जीरो है, फंक्शनल वैल्यू जीरो है। इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, आपका वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, माइनस वन की ओर। राइट साइड से आप जा रहे हो, इसका वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, प्लस वन की ओर जा रहा है। जीरो इंटू जीरो जीरो, तो ये तो क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू हो गया। एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन। नेक्स्ट आर एच एल, जीरो इंटू प्लस वन, तो क्लियरली दिख रहा है तीनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस पे आपको मैंने लिखा के दिया था इट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड है करके, कोई डाउट है तो ओके। तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे जीपी का कंसेप्ट यूज करोगे। ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये एक जीपी है, कैसे, तो ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहली चीज, ये जो फंक्शन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो है ये क्या कॉमन है, थ्रू आउट कॉमन है, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको आप कैसे लिख सकते हो, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या आएगा, वन, दूसरे पार्ट में ये क्या होएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरे पार्ट में ये होएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर आएगा, एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। तो ये जो पार्ट है ना, ये क्या एक जीपी जैसे काम कर रहा है, ठीक है। कैसे जीपी जैसा काम कर रहा है, आपका ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है ए आर स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप ए आर अपॉन ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन रेशियो मिलेगा। तो ए आर दैट इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे वन से तो आपको कॉमन रेशियो क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, विच इज हमारा आर का वैल्यू। एंड ये क्या है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या रहता है, a अपॉन वन माइनस आर। तो यहाँ पे a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वन कर रहा है, यहाँ पे r का काम कौन कर रहा है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वन से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होएगा, माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर अपॉन ये। स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मीटिंग शायद